नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 30 दिन में 5 बार डसा, यूपी के इस शख्स के पीछे हाथ धोकर पड़ा सांप, जान बचाने वाले डॉक्टर भी हैरान। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवक को सांप ने एक महीने के अंदर 5 बार डसा है। इस घटना के बाद से युवक का उपचार करने वाले डॉक्टर भी हैरान है। सांप के द्वारा बार बार डसने से युवक भी खासा परेशान है। इस मामले पर परिजन व स्वयं पीड़ित युवक ने हैरान कर देने वाली बात कही है। युवक ने बताया कि सांप उसे शनिवार और रविवार के ही दिन धसता है। इसी भय से पीड़ित युवक अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया था, लेकिन सांप ने उसे वहाँ भी डस लिया। युवक से बातचीत की गई तो उसने बेहद हैरान कर देने वाली बात बताई। उसने यह भी बताया कि उसे इस बात का पहले से ही आभास हो जाता है कि उसे सांप डसने वाला है। परिजनों को जानकारी देने के बावजूद भी सांप उसे डस लेता है। अब इस केस से डॉक्टर भी बेहद हैरान है। मामला बिंद की तहसील क्षेत्र के सौरा गांव का है, जहां के रहने वाले विकास द्विवेदी को पिछले एक माह के अंदर 5 बार सांप ने डसा है, जिनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। पीड़ित व्यक्ति से बातचीत की गई तो उसने हैरान कर देने वाली बात कही। विकास द्विवेदी का कहना था कि उसे सांप ने शनिवार और रविवार के ही दिन डसा है। सर्पदंश से पहले ही उसे हर बार आभास हो जाता था। परिजनों ने बताया, बेटी ने पहले ही हमें बताया था कि उसे भय लग रहा है, उसे अनहोनी के संकेत मिलने लगते हैं। जब सर्पदंश से पीड़ित विकास वेदी का इलाज कर रही डॉक्टर जवाहरलाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये अजीब मामला सामने आया है। एक व्यक्ति है जिसे 5 बार सांप ने काटा, जिसका 5ों बार मैंने उपचार किया। जब 2 से 3 बार यह घटना हुई तो मैंने पेशेंट को गांव से बाहर रहने की सलाह दी, जिसके बाद वह अपनी मौसी के घर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी सांप ने उसे डस लिया। उसका इलाज किया गया है, स्थिति सामान्य है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।